पेपर के एक दिन पहले आप सभी को अपना जो भी आवश्यक चीज है उसको रेडी कर लेना है। आवश्यक चीज क्या है? तो सबसे पहले भैया आपको एडमिट का, क्या चीज? एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड उसमें दो कॉपी है, एक है आपका व्यापम कॉपी और एक है आपका कैंडिडेट कॉपी, दोनों लेके जाना है। आया समझ में? उसके साथ आपको पेन कौन सा यूज करना है? आपको पेन यूज करना है, एक आता है ना बॉल पेन बोलते हैं, है ना, तो उसका ब्लू कलर या ब्लैक कलर, या तो ब्लू यूज करना या तो ब्लैक यूज करना, ये यूज करना है। और साथ में एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। आईडी प्रूफ कौन सा? या तो आधार लेके चले गए, या तो पैन लेके चले गए, ड्राइविंग लाइसेंस अभी होगा नहीं, तो कोई भी एक चीज लेके चले गए, ठीक है। इसके साथ यदि आपके आधार कार्ड में फोटो क्लियर नहीं है, समझ नहीं आ रहा है, तो दो पासपोर्ट साइज का फोटो रख लेना। क्लियर इतना? आपको और क्या सावधानी रखना है? स्मार्ट वॉच पहन के नहीं जाना है, या कोई भी डिजिटल वॉच जो पहनते हो आप लोग, है ना, उस तरह का चीज वहां अलाउ नहीं होता, इस बात को ध्यान में रखना है। एग्जाम के पहले दिन आपको थोड़ा ध्यान ये देना है कि आपको समय पे सो जाना है ना, मतलब नींद प्रॉपर कंप्लीट कर लेना है, तो दिमाग भी सही दिशा में काम करेगा उस दिन। थकान नहीं रहना चाहिए दिमाग में, या हेडेक के साथ मत जाना, है ना, एग्जाम ही दिलाने जाओगे तो टेंशन मत लेना इतना। अगला चीज, एग्जाम सेंटर में आप पर्स लेके मत जाना, या कुछ ऐसा चीज कीमती चीज मत लेके चले जाना जिसको रखने में आपको दिक्कत हो रहा है, आप ही को फिर उसका ध्यान उधर इधर उधर लगा रहेगा, है ना। स्कार्फ वगैरह इस टाइप का कोई मटेरियल लेके नहीं जाना है, स्मार्ट वॉच तो लेके जाना ही नहीं है, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि पानी बॉटल ले जाना चाहते हो तो ले जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना वहां कि ये पानी पी रहे हो, OMR सीट पे पानी का बूंद ना गिर जाए, है ना, ये तो नुकसान है ना, हमको हर तरह से सतर्क रहना है। अगला चीज, आपको पेपर के बाद भी एडमिट कार्ड को संभाल के रखना है, एडमिट कार्ड को संभाल करके रखना है, क्योंकि जिस समय आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको जब काउंसलिंग में जाओगे तो एडमिट कार्ड को मंगा जाता है, तो उसको अपने पास रखना, क्योंकि बाद में वापम का साइड बंद हो जाता है, फिर से आप नहीं निकाल पाते, उसको व्यवस्थित रखना है, सुरक्षित रखना है। एग्जाम का नाम प्री एग्रीकल्चर टेस्ट करके रहेगा, रोल नंबर डालोगे, और रोल नंबर डालोगे तो OMR शीट पे गोला भी लगाना पड़ता है, आपका टेस्ट लिया गया है, आप सभी का टेस्ट लिया गया है ना OMR बेस्ड, तो वैसे ही रखना है। क्वेश्चन बुकलेट नंबर, जो क्वेश्चन बुक मिलेगा ना उसमें क्वेश्चन बुकलेट नंबर रहता है उसको डालना है। क्वेश्चन बुकलेट सेट रहेगा, सेट किसमें लिखा रहेगा? जो क्वेश्चन मिलेगा ना अलग अलग सेट रहेगा, ABCD, है ना, सभी को एक जैसे सेट तो मिलते नहीं है, तो अलग अलग सेट मिलेगा, उसको भी डालना है, ठीक है। इस तरह से डेट ऑफ एग्जाम भी डालना है, डेट ऑफ बर्थ मत डाल देना, डेट ऑफ एग्जाम में 2 तारीख है ना, 2 तारीख 7वां महीना 2023, तो वो अपना डेट ऑफ बर्थ मत डालना, तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको सावधानी रखना है। मेहनत बनाने का तरीका अगर देखा जाए, पेपर कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आप सरल से शुरू करना, जो आपको सब्जेक्ट सरल लगता है, पशुपालन सरल लगता है पशुपालन से शुरू करना, फसल सरल लगता है फसल से शुरू करना, है ना, और बायो सरल लगता है बायो से शुरू करना, जो आपको सरल सब्जेक्ट लगे, और जो जो बनता है ना उसको पहले टिक करो, जो पहले बनेगा वो जो एकदम कन्फर्म रहोगे, अच्छा ये इसका आंसर ये है, बना दी गोला लगा दी। सेकेंड राउंड में जो डाउट वाला है उसको करो, और लास्ट राउंड में जो छूट गया है तुक्का जिसमें मारने वाले हो उसमें फोकस कर। तो जितने भी लोग PAT दिला रहे हो ना सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, अच्छे से पेपर दिलाना भैया, ठीक है, धन्यवाद।